नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जो पूरे देश में बवाल कर रहे हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इसके ऊपर चुनावी गणित लगा रही है, मुस्लिम वोट के पीछे भाग रही है, उनको बहुत बड़ी मिर्ची लगने वाली है, उनके पेट में दर्द होने वाला है। क्योंकि केंद्र सरकार ने आज एक ऐसी घोषणा की है कि जिससे जो इसके समर्थक हैं नागरिकता संशोधन कानून के, उनका तो सीना चौड़ा हो जाएगा, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। वो क्यों? केंद्र सरकार ने आज घोषणा की है कि इस कानून का, नागरिकता संशोधन कानून का जो पहला वो इम्प्लीमेंटेशन जो कर रही है वो सबसे पहले रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर करेगी। तो एक खबर तो ये है, इसके बारे में बताएंगे, इसके डिटेल्स आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और दूसरी खबर ये आ रही है कि आज केंद्र सरकार को जो वेस्ट बंगाल और बॉर्डर असम के आसपास से जो खुफिया रिपोर्टें आ रही हैं वो ये जितनी सेकुलर जमात है उनके पसीने छुड़ाने वाली है। पता ये चल रहा है कि अब भारी संख्या में लोग अपने अपने सामानों को लेकर के जो बांग्लादेशी घुसपैठी बेंगलोर से, हैदराबाद से, मुंबई से, दिल्ली से, ये सब भाग रहे हैं, वापस बांग्लादेश जा रहे हैं और बॉर्डर पे कोऑर्डिनेशन के लिए बकायदा मीटिंग्स भी हो रही हैं। मैं इस पे आऊँगा, लेकिन पहले रोहिंग्या के बारे में बात करते हैं। आज केंद्र सरकार ने कहा कि जो जम्मू के अंदर 40,000 रोहिंग्या हैं, सबसे पहले उनको इस कानून के तरीके से उनको बाहर किया जाएगा। मतलब ये, क्योंकि ये जो कानून जो बना है कि जो रिलीजियस एट्रोसिटीज़ के वजह से, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के वजह से हिंदुस्तान में आए हैं जो हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो पारसी हैं, उन पे लागू होगा। ये 6 रिलीजन वाले मुसलमानों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। और चूंकि रोहिंग्या मुसलमान हैं इसलिए इस कानून से उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, और इसलिए जम्मू में एक नया ऑपरेशन चालू किया जा रहा है। सारे रोहिंग्यास को, करीब 40,000 रोहिंग्यास जम्मू के अंदर में अभी हैं, जम्मू कश्मीर में, और इन सब को चुन चुन के वहां से बाहर निकाला जाएगा। ये वापस इन्हें बर्मा या बांग्लादेश से जहां जाना चाहें वो जाए, और नहीं जाते हैं तो फिर उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। ये सरकार की तरफ से बताया गया है, लेकिन सरकार ने एक बात और कही है और जो इस खबर के जड़ में है वो ये कि रोहिंग्या कहां से आए। रोहिंग्या तो बर्मा से आए, बर्मा में इन लोगों ने एक अलग मुहिम छेड़ रखी थी, जिस तरीके से सेपरेटिस्ट कश्मीर में छेड़ रखे हैं, उनको मुस्लिम इलाका, एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए था बर्मा के अंदर, जैसे यहाँ कश्मीरी लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं सेपरेटिस्ट लोग, और ये इस्लाम के नाम पे वो बर्मा में भी मांग रहे थे। लेकिन बर्मा की सरकार हिंदुस्तान की सरकार की तरह वो डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन लोगों को वहां से भगाया गया। तो काफी संख्या में ये लोग बर्मा से कहाँ आए, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भी ये बहुत सारे लोग एंटी सोशल एक्टिविटी में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो गए। और तो और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं, ISIS हो या फिर पाकिस्तान के ISI द्वारा बहुत सारे जो संगठन, जो जैसे मोहम्मद टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ एक्टिव हो गई और वहाँ उनका रेडिकलाइजेशन हो, वो लोग वहाँ पे भी अपना तमाशा, इन लोगों ने जिहाद जो है वो शुरू कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि UPA के दौरान जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो ये बांग्लादेश से ये रोहिंग्यास कहां पहुंचे, जम्मू कश्मीर पहुंच गए। ये 40,000 लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, UP, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब क्रॉस करते हुए ये वहां तक कैसे पहुंचे, ये तो यहां की न भाषा बोल सकते, न समझ सकते, न जान सकते, फिर भी सीधे सीधे इन लोगों को बांग्लादेश से उठा करके, वो कौन सा रैकेट था, वो कौन दलाल लोग थे, वो मिडलमैन कौन लोग थे, किसने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया,
क्या सरकार ने कराया इसे? क्या मनमोहन सिंह की सरकार ने बकायदा एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत इन लोगों को बंगाल से, बांग्लादेश से उठा करके सीधे जम्मू पहुंचा दिया? और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एंटी सोशल, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में और असम में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी का वो एक रैकेट चल रहा था उस दौरान जब इनकी सरकार थी, कि बांग्लादेशियों को आप बकायदा वहां से लाते थे, बांग्लादेश में कुछ एजेंट बैठे हुए हैं और इधर भी कुछ एजेंट बैठे हुए हैं, एजेंट के बीच में बातचीत होती थी और वो लोग वहां से उधर से क्रॉस कराते थे पैसे लेकर के, और फिर पैसे लेकर के ये लोग इन लोगों को अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में भेजा करते थे। क्या इस तरह का कोई रैकेट काम कर रहा है जो 40,000 रोहिंग्यास वहां से उठाए गए और सीधे सीधे जम्मू कश्मीर भेज दिए गए? तो सरकार ने आज कहा है कि इसकी पूरी की पूरी तहकीकात होगी, और चूंकि सीए के तहत ये चिल्लाते रह जाएंगे कि हमारे साथ जो है वहां पे बर्मा की सरकार ने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन किया है, लेकिन इनको इससे छूट नहीं मिलने वाली है। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, और जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 2-3 दिन के अंदर, यकीन मानिए कि ये सारे जो सेकुलरिज्म के जो पुरोधा है इस देश के अंदर में, जो मुस्लिम वोट के लिए इस देश को जो है बवाल मचाए हुए, आग लगाए हुए हैं, ये फिर नाचना शुरू करेंगे, फिर ये चिल्लाना शुरू करेंगे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे वो रोहिंग्यास हैं, रेडिकलाइज रोहिंग्यास, जो बर्मा के अंदर में अलग देश की मांग कर रहे थे, सेपरेटिज्म का एक आंदोलन चला रहे थे, और इन लोगों को आपने कहां भेज दिया? अगर सरकार ने ये काम किया है, यूपी की सरकार ने, तो ये बहुत बड़ा एक, इसको कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है, क्योंकि वहां तो एक ऑलरेडी डिस्टर्बेंस चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर में, इस्लाम के नाम पे वहां पे एक अलग देश की मांग हो रही है, पाकिस्तान उसको इस्लाम के नाम पे समर्थन दे रहा है, और आपने इसी तरह के एलिमेंट्स रोहिंग्या मुसलमानों को आपने वहां जाकर के बसा दिया, और जम्मू और कश्मीर के अंदर में, खास करके जम्मू में ये शिकायतें बहुत दिनों से चली आ रही थी कि ये लोग एंटी सोशल एक्टिविटी में वहां पे है, वहां पे क्राइम कर रहे हैं, उल्टे पुलटे काम में वो लोग माने बकायदा वो शामिल है, कई पॉलिटिकल पार्टीज इसकी डिमांड कर रही थी। तो आज मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि रोहिंग्यास को अब इस देश से बाहर निकाला जाएगा। तो ये तो एक पहली खबर थी, लेकिन इंटरेस्टिंग खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में ये सारे जो हिंदुस्तान में अब तक छिपे हुए थे अलग अलग शहरों में बांग्लादेशी, ये सीए के आने के बाद से वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? हमने सबसे पहले कैपिटल टीवी में आपको बताया था कि अमित शाह के डिटेंशन कैंप से ये लोग इतना डर गए हैं कि ये लोग भाग रहे हैं, और सरकार लगातार इस बात को जो बड़े दमखम के साथ कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारी विपक्ष की पार्टियां एक हो जाए, देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो जाए, प्रदर्शन करें, हंगामा करें, जो करना है सो करें, लेकिन सरकार इस कानून के ऊपर जो पोजीशन ले चुकी है उससे एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाली है। और इसका असर इन पॉलिटिकल पार्टीज पर तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो छुपे हुए बांग्लादेशी हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वो भाग रहे हैं, और इसके लिए ये अचानक से जो एक्सोडस हो रहा है, भारी संख्या में जो बांग्लादेशी अपने अपनी सामानुमान अपने जान बचा करके वो लोग जो बांग्लादेश भाग रहे हैं, उसको लेकर के बांग्लादेश में एक चिंता बढ़ गई है। और बांग्लादेश ने बॉर्डर इलाके में अपने जितने भी टेलीफोन के टावर्स हैं, जो कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम है, उसको जाम कर दिया है। बॉर्डर के एरियाज में बांग्लादेश में टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सारे लोग जिस रास्ते से आए थे, जिन दलालों के जरिए ये लोग इंडिया गए थे, उन्हीं दलालों के जरिए ये लोग वापस आ रहे हैं, और उसमें इनकी मदद, वो सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो फोन के जरिए हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश ने, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब बांग्लादेशियों को लगने लगा है कि इस देश में ऐसी सरकार आ गई है जिससे ये तमाम जिनको अब तक ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ये सेकुलर पार्टीज, वो उनको बचा नहीं सकते हैं, और इसलिए ये एक्सोडस हो रहा है। तो बांग्लादेशियों का
बांग्लादेश वापस जाना अच्छी बात है, अपने देश जाएं, बांग्लादेश की इकॉनमी भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है, उनको यहाँ नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में अभी चिंता का विषय है जॉब्स नहीं है, गरीब मुसलमान जो हिंदुस्तान के बेरोजगार हैं कम से कम उनको जॉब मिलेगा उसकी वजह से, और पॉलिटिकल पार्टीज़ कांग्रेस पार्टी तृणमूल ये छाती पीट रही, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि इनका वोट बैंक जो है वो खिसक रहा है, और इसलिए लगातार आप देखिए अब किस तरीके से कुछ बांग्लादेशी तो केरल से भी भाग रहे हैं, और इसलिए ये लोग जो है एक लिप सर्विस जो है वो कर रहे हैं कि हम इस कानून को अपने देश के अंदर नहीं लगाएंगे, अपने राज्य के अंदर नहीं लगाएंगे। केरल में तो इन लोगों ने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये जितना भी अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हो या वामपंथी चीफ मिनिस्टर हो, ये जितना इनको भाषण देना है पॉलिटिकल पोस्टरिंग करनी है वो करें, जो कानून नागरिकता से जुड़ा हुआ हो और वो कानून केंद्र में पास हो गया हो, ये सारे राज्यों में ये एक समान एक जैसा लागू होगा, इसको कोई हिला डुला नहीं सकता है। ये बाकी सारी चीज़ें जो मीडिया में जो चल रहा है कि भाई केरल के असेंबली ने ये पास कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कानून अब एक प्रॉपर कानून बन चुका है, सरकार पीछे नहीं हटने वाली है, और इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक ज़रा सा भी कोई चूक नहीं होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।